वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की जो सोशियोलॉजी है, ठीक है, उसके लघुत्तर प्रश्न मतलब लेके आया हूँ, जो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके नोट्स का जो लिंक है पीडीएफ, उसको आपको मिलेगी, जो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, धर्म की विशेषताएं बताइए। इसमें आपसे धर्म की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो धर्म की जो विशेषता है वो मतलब निम्न इसमें दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट विशेषता जो है इसकी, प्रत्येक धर्म किसी न किसी आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है। प्रत्येक धर्म, कोई भी धर्म हो, वो किसी न किसी आध्यात्मिक, ठीक है, या अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है। आध्यात्मिक शक्ति या अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा, धर्म के अंतर्गत आध्यात्मिक शक्ति में अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करने के लिए पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन आदि को आदि का सहारा लिया जाता है, ठीक है। धर्म के अंतर्गत जो है आध्यात्मिक शक्ति में अपनी आस्था और विश्वास को अगर हम प्रकट करते हैं, तो उसके लिए हमें पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन आदि का हमें सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा, धर्म का संबंध पवित्रता से है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धर्म का जो रिलेशन है वो किससे है, पवित्रता से है। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो तीन पॉइंट हो गए हमारे ये। चौथा पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक धर्म का अपना एक प्रतीक होता है, ठीक है। प्रत्येक धर्म, जो कोई भी धर्म, उनका अपना एक प्रतीक होता है जिससे उस धर्म का बोध होता है। फाइव पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, अलौकिक शक्ति में विश्वास से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं, सॉरी गाथाएं प्रचलित होती हैं। सिक्स पॉइंट हमारा, प्रत्येक धर्म का एक धर्म ग्रंथ होता है जो उस धर्म को चलाने में सहायक होता है। और सेवन पॉइंट हमारा, प्रत्येक धर्म से अनेक धार्मिक विश्वास व कर्म कांड पाए जाते हैं। तो ये था आपका लघुत्तर प्रश्न, जो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दें पहले।